एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया सिर्फ एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर की तरह देखती थी, जिसने फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन किए। कि निकोला टेस्ला को सिर्फ एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर मान लेना हमारी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि निकोला टेस्ला जैसा महान इंसान उस टाइम पर एक थॉट कैमरा बनाना चाहते थे, जिसमें आप अपने माइंड में सोच रही चीजों की इमेज रियल लाइफ में प्रोजेक्ट कर सकते थे, जहां आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने के बावजूद भी ऐसा करना अभी भी मुमकिन नहीं है। पर निकोला टेस्ला ने ऐसे इन्वेंशन पर 1930s के पीरियड में काम करना तक शुरू कर दिया था। और इसके अलावा भी निकोला टेस्ला ने एक पॉकेट अर्थक्वेक मशीन, एक इंफ्रारेड डेथ रे जैसी टेक्नोलॉजी इन्वेंट करी थी, जो न सिर्फ वक्त के हिसाब से कहीं आगे थी, बल्कि निकोला टेस्ला का इन्वेंट किया अल्टरनेटिव करंट पर चलने वाला मोटर सिस्टम आज भी टेस्ला मोटर्स और दूसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आखिरकार क्या थी असली कहानी निकोला टेस्ला की, और इतने सारे एडवांस इन्वेंशन करने के बावजूद भी आखिर क्यों उनकी मौत इतनी गरीबी में हुई थी कि वो अपना कर्जा तक नहीं चुका पाए। निकोला टेस्ला का जन्म साल 1856 में स्मिलन नाम की एक छोटे से गांव में हुआ था, जो कि उस टाइम पर ऑस्ट्रियन एम्पायर का एक पार्ट था और जिसे आज क्रोशिया के नाम से भी जाना जाता है, जहां टेस्ला के फादर मिल्यूटिन एक पैरिश प्रीस्ट थे। साल 1870 में टेस्ला क्रोशिया से कलोवाई नाम के एक शहर शिफ्ट हो जाते हैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, जहां जाकर एक फिजिक्स प्रोफेसर के इलेक्ट्रिसिटी के डेमोन्स्ट्रेशन की वजह से उनका इंटरेस्ट फिजिक्स और साइंस में हो रहे अजीबोगरीब फिनोमेना में बढ़ने लगता है। टेस्ला का माइंड और थॉट प्रोसेस काफी ज्यादा अच्छा था दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में, इसी वजह से वो मैथमेटिक्स के टिपिकल कैलकुलस अपने माइंड में ही सॉल्व कर लिया करते थे। इसी वजह से उनके टीचर्स ये सोचते थे कि वो चीटिंग कर रहे हैं। हालांकि निकोला टेस्ला काफी अच्छे स्टूडेंट के साथ साथ वो अक्सर अपने टीचर्स को भी मॉडल्स और डिजाइन में इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशंस दिया करते थे। लेकिन 1878 के आसपास जुए की लत और औरतबाजी के गलत शौक की वजह से उन्होंने पढ़ाई थर्ड ईयर में ही छोड़ दी और कभी भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाए, जिसके बाद ईयर 1881 में टेस्ला ब्यूडापेस्ट शिफ्ट हो जाते हैं टेलीफोन एक्सचेंज के इन्वेंटर टिवाडार पुस्कास के अंडर काम करने के लिए। शुरुआत में ब्यूडापेस्ट टेलीफोन एक्सचेंज में टेस्ला एक ड्राफ्टमैन की तरह अपॉइंट होते हैं, लेकिन उस टाइम तक टेलीफोन एक्सचेंज ऑपरेशनल नहीं था। लेकिन टेस्ला के अपॉइंटमेंट के बाद न सिर्फ टेलीफोन एक्सचेंज फंक्शनल हो जाता है, बल्कि टेस्ला ने टेलीफोन रिपीटर्स और एम्पलीफायर में भी इम्प्रूवमेंट करके उन्हें भी परफेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें टेलीफोन एक्सचेंज में चीफ इलेक्ट्रीशियन की पोजीशन अपॉइंट कर दी जाती है। जिसके बाद एयर 1882 में तिवादार पुस्कास टेस्ला को पेरिस में थॉमस एल्वा एडिसन की कंपनी कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी में जॉब दिलवाने में मदद करते हैं। उस टाइम पर एडिसन की कंपनी पूरे शहर भर में इनकैंडेसेंट लाइट्स इंस्टॉल करने का काम करती थी। इस कंपनी में काम करने के दौरान टेस्ला को इलेक्ट्रिक फील्ड में काफी एक्सपीरियंस बढ़ने लगता है और कंपनी उनकी एबिलिटीज को देखते हुए उन्हें डायनमोस और मोटर डिजाइन करने का काम सौंप देती है। जिसके बाद एयर 1884 में एडिसन की कंपनी निकोला टेस्ला को अमेरिका भेज देती है, जहां टेस्ला जनरेटर को इम्प्रूव करने का काम करते हैं और वहीं जाकर उनकी मुलाकात कंपनी के फाउंडर थॉमस एल्वा एडिसन से होती है, जहां एडिसन उन्हें आर्क लैम्प बेस्ड स्ट्रीट लाइटनिंग सिस्टम बनाने का काम सौंपते हैं। लेकिन आर्क लाइटनिंग एडिसन की लो वोल्टेज डीसी इलेक्ट्रिसिटी पर कॉम्पैटिबल नहीं थे, इसलिए टेस्ला एडिसन के लिए आर्क इलेक्ट्रिक लाइटनिंग का नया मॉडल तैयार करते हैं, जो अल्टरनेट करंट पर चल सकते थे। पर एडिसन उनके इस अल्टरनेट करंट पावर्ड लाइटनिंग सिस्टम का मजाक बनाते हैं, और तो और एडिसन टेस्ला के इस डिजाइन को प्रोडक्शन में ही नहीं लेते, निकोला टेस्ला के डिजाइन को सिलेक्ट न करने की वजह से। और एडिसन से कॉन्फ्लिक्ट के बाद टेस्ला अपनी जॉब क्विट कर देते हैं। टेस्ला ने एडिसन की कंपनी में लगभग 6 महीने काम किया था, और कंपनी ने न सिर्फ टेस्ला को इस पीरियड में काम करने की कोई सैलरी दी थी, बल्कि जनरेटर्स और आर्क लाइटनिंग सिस्टम डिजाइन करने का जो बोनस बनता था वो तक देने से इनकार कर दिया। एडिसन की कंपनी छोड़ने के बाद टेस्ला अपने बनाए हुए इम्प्रूव्ड इलेक्ट्रिक मोटर का पेटेंट करवाते हैं, लेकिन पेटेंट होने और उनके इन्वेंशन के प्रेस में काफी चर्चा के बाद भी इन्वेस्टर्स जरा सा भी इंटरेस्ट उनके इस इन्वेंशन में नहीं दिखाते, जिसकी वजह से टेस्ला की फाइनेंशियल कंडीशन काफी बिगड़ने लगती है और उन्हें $2 पर डे से भी कम में मजबूरी गुजारा करना पड़ता है। एयर 1886 में टेस्ला की मुलाकात एल्फ्रेड एस ब्राउन और न्यूयॉर्क के अटॉर्नी चार्ल्स पेक से होती है, जहां पर एल्फ्रेड और चार्ल्स टेस्ला के विजन से काफी प्रभावित होते हैं और टेस्ला के इन्वेंशन को न सिर्फ फंड करते हैं
बल्कि उनको पेटेंट्स और लीगल बैटल के लिए भी सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से एयर 1887 में टेस्ला इंडक्शन मोटर डेवलप करते हैं जो कि ऑल्टरनेट करंट यानी एसी पावर सिस्टम पर चलता था। और क्योंकि ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी पर चलने वाली इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज जनरेट करती थी और साथ ही इस करंट को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट भी किया जा सकता था, इसी वजह से ऑल्टरनेट करंट की डिमांड यूरोप और यूएसए जैसी कंट्रीज में काफी बढ़ रही थी। एयर 1888 में टेस्ला को इस ऑल्टरनेट करंट पावर्ड इलेक्ट्रिक मोटर का पेटेंट मिलता है, जिसके बाद टेस्ला $60,000 में अपने इंडक्शन मोटर्स का लाइसेंस जॉर्ज वेस्टिंगहाउस नाम की कंपनी को दे देते हैं, जिसके बाद अब टेस्ला के पास पैसे की भी कमी नहीं थी। वो इस पैसे से अपने लिए एक नई लैब सेटअप करते हैं और ऑल्टरनेट करंट पर काम करने लगते हैं। और एयर 1889 में टेस्ला कॉयल इन्वेंट करते हैं। टेस्ला कॉयल एक तरह का ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जो कि लो करंट के बावजूद भी हाई वोल्टेज जनरेट कर सकता था। और निकोला टेस्ला का टेस्ला कॉयल बनाने का सिर्फ एक मकसद था कि वो इस टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेसली ट्रांसमिट करना चाहते थे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, वो भी बिना वायर्स के। निकोला टेस्ला उस टाइम पर वो करना चाहते थे जो आज के टाइम पर भी नामुमकिन है। इसके अलावा 1890s के पीरियड में टेस्ला एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑसिलेटर पर काम करना शुरू करते हैं। ये एक 7 इंच का ऑसिलेटर था जो कि अपने वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी किसी भी ऑब्जेक्ट से मैच कर सकता था। इसी वजह से टेस्ला ने एक बार ये क्लेम किया, उन्होंने इस ऑसिलेटर को जब एक बार एक बिल्डिंग पर टेस्ट किया तो उसके वाइब्रेशन से वो बिल्डिंग तक जोर जोर से हिलने लगी, जिसकी वजह से उन्हें इस एक्सपेरिमेंट को फौरन ही रोकना पड़ा। और निकोला टेस्ला के इस ऑसिलेटर को अक्सर लोग अर्थक्वेक मशीन भी बोलते हैं, क्योंकि ये वाइब्रेशंस इतने तेज थे कि आसपास के लोगों को ये लगा कि अर्थक्वेक आ गया है, और यहाँ तक इस वाइब्रेशन से पुलिस तक वहाँ आ गई थी। इसके अलावा भी निकोला टेस्ला ने कई और बेहतरीन इन्वेंशंस किए, जैसे दुनिया का पहला रेडियो रिमोट कंट्रोल, एक थॉट कैमरा और डेथ रे जैसी टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। और टेस्ला की ये डेथ रे इतनी ज्यादा पावरफुल होने वाली थी कि वो इसके इस्तेमाल से 250 माइल्स दूर किसी एयरप्लेन तक को शूट कर सकते थे। पर 1890s का पीरियड एंड होते होते टेस्ला की लैब में अचानक से आग लग जाती है और टेस्ला की सालों की रिसर्च मटेरियल्स, नोट्स और डेमोंस्ट्रेशन सब कुछ एक बार में ही खत्म हो जाता है और टेस्ला की सालों की मेहनत सिर्फ चंद लम्हों में पूरी खत्म हो जाती है। हालांकि टेस्ला का सब कुछ खत्म हो गया था, फिर भी वो हार नहीं मानते और सब कुछ दोबारा से शुरू करने का फैसला करते हैं और अपने वायरलेस टेक्नोलॉजी को फंड करने के लिए उस टाइम के काफी बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर जेपी मॉर्गन से मिलते हैं। और जेपी मॉर्गन को निकोला टेस्ला का वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करने का आइडिया काफी पसंद आता है और जेपी मॉर्गन उनके इस प्रोजेक्ट के लिए $1.5 लाख की फंडिंग करते हैं। इस प्रोजेक्ट की फंडिंग मिलने के बाद एयर 1904 में टेस्ला लॉन्ग आइलैंड में अपने इस प्रोजेक्ट को और बड़े लेवल पर करने के लिए एक बड़ा क्वाइल टेस्ला वार्डन क्लिफ प्लांट तैयार करते हैं, लेकिन इस टावर को बनाने के लिए टेस्ला हद से ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, इसलिए टेस्ला जेपी मॉर्गन से और पैसे की डिमांड करते हैं ताकि उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सके, जिसकी वजह से निकोला टेस्ला जेपी मॉर्गन को 50 से भी ज्यादा लेटर लिखते हैं, लेकिन जेपी मॉर्गन किसी लेटर का भी रिप्लाई नहीं करते, क्योंकि जेपी मॉर्गन को ये अंदेशा हो गया था कि अगर टेस्ला इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेसली ट्रांसमिट करने में सफल हो जाते हैं तो इस इन्वेंशन का सीधा असर पड़ता थॉमस एडिसन की इलेक्ट्रिक कंपनी को। और क्योंकि जेपी मॉर्गन ही एडिसन की कंपनी के मेन इन्वेस्टर थे, इसलिए टेस्ला का ये इन्वेंशन जेपी मॉर्गन के लिए ही नुकसानदायक साबित होता और इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग का इंतजाम न कर पाने की वजह से टेस्ला इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं और टेस्ला को अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर अपना $20,000 का कर्जा चुकाना पड़ता है। और तो और एयर 1915 में मॉर्गेज की रकम न चुकाने की वजह से टेस्ला को अपनी जमीन खोनी पड़ती है और नया ओनर उनके इस टावर को भी डिमोलिश कर देता है और एक बार फिर से टेस्ला की जिंदगी भर की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है, जिसके बाद कर निकोला टेस्ला को अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अकेले ही होटल रूम के अंदर गरीबी में गुजारने पड़ते हैं। और 7 जनवरी 1943 86 ईयर की उम्र में होटल न्यूयॉर्कर में रूम नंबर 3327 में हार्ट अटैक की वजह से निकोला टेस्ला की मौत हो जाती है। और दुनिया के सबसे महान और टैलेंटेड इन्वेंटर, जिनके कई इन्वेंशन आज भी
हम मॉडर्न लाइफस्टाइल में इस्तेमाल करते हैं उनकी जिंदगी का खात्मा होता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर निकोला टेस्ला को फंडिंग मिल जाती तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को वायरलेसली ट्रांसमिट करने में कामयाब हो पाते कि नहीं? अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।